गौ रक्षकों और वृंदावन पुलिस संयुक्त तो कार्रवाई में कटान के लिए ले जाए जा रहे गौवंश के साथ साथ एक गौ तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि दो तस्कर मौके से भाग निकले। गौ रक्षकों की कर्तव्य निष्ठा के चलते वृंदावन पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस और गौरक्षकों के संयुक्त प्रयास से गौ तस्करी को ले जाए जा रहे एक कैंटर को पकड़ा है। पुलिस ने एक तस्कर को पकड़ा है, जबकि दो तस्कर मौके से भाग निकलने में सफल रहे। पुलिस ने 15 गौवंश को मुक्त कराकर श्रीपाद बाबा गौशाले भेज दिया। हम आपको बता दें कि ब्रजवासी गौ रक्षा दल के अध्यक्ष मोनू शर्मा को सूचना मिली कि आगरा की ओर से एक ट्रक में गौवंश को भरकर कटान के लिए ले जाया जा रहा है। गौ रक्षकों की टीम ने हाईवे से ही कैंटर का पीछा करते हुए पुलिस को सूचना दी और पुलिस की सतर्कता और गौ रक्षकों के जज्बे के कारण आखिरकार पुलिस ने पानी गांव तिराहे पर कैंटर को पकड़ लिया। इस दौरान पुलिस और गौ तस्करों के बीच कई राउंड फायरिंग भी हुई। इतना ही नहीं, तस्करों ने गौ रक्षकों पर भी कई राउंड फायरिंग किए। इधर मौके से दो तस्कर भाग जाने में सफल रहे, जबकि पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए युवक का नाम तस्लीम पुत्र अयूब निवासी आली में पलवल बताया गया, जिसके खिलाफ पुलिस ने 307 पशु अधिनियम एक्ट NDPS में संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। इस संबंध में ब्रजवासी गौ रक्षा दल के अध्यक्ष मोनू शर्मा और वृंदावन कोतवाली प्रभारी संजीव कुमार दुबे ने जानकारी दी। आगरा से मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि आगरा के पास से कैंटर को बल लिया गया है, कैसे भी करके इसको पकड़ो। तो हमने अपना जाल बिछाया जय गुरुदेव के ठीक सामने। वहाँ पे घंटों इंतजार करते करते जब ये 1.25 घंटे बाद हमको नजर आया तो हमने इसका पीछा किया। पीछा करते करते ये छठीरा वाले रोड से वृंदावन के लिए कट गए। तो फिर मैंने SO साहब को अपने वृंदावन SHO संजीव कुमार दुबे जी को फोन पे सूचना दी। उन्होंने तत्काल अपना पुलिस फोर्स संघ के साथ अलर्ट कर दिया। फिर इसको हम घेरते पानी गाँव पुल से होते हुए ये सीधी मार्ट वाले रास्ते पे इसको धरता पहुँचा गया, जिसमें कि इसमें 15 गाय और एक आदमी गौ तस्कर को हमने पकड़ने में काबू रहे। तो इसमें गौ तस्करों की तरफ से जवाबी फायरिंग वगैरह या कुछ? इसमें कम से कम 7 से 8 राउंड उन्होंने हम पे फायर किए कि हम इनका पीछा छोड़ते हैं, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। तो क्या लगता है कहाँ से आ रहे थे ये लोग और कब से कर रहे हैं, कुछ पता चला? पता नहीं हमको, तो कल सूचना पूरी इसकी सटीक लगी थी, तो हमने अपना जाल बिछा के इसमें कामयाब रहे। और विपिन, वो क्या नाम है इनका, विपिन भाटी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, जो उन्होंने अद्दा चौक की इंचार्ज ने, मतलब पुलिस प्रशासन की पूरी सजगता रही। हाँ जी हाँ, पूरी पुलिस प्रशासन एक बार में पूरा सहयोग पूरा किया उन्होंने। तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगा कि फायर कर रहे हैं तो आपको असुरक्षित की भावना की? जान की तो हर एक को चिंता रहती है, लेकिन जब मन में जुनून होता है तो फिर इनको काबू हम करने में कामयाब रहे। ये कल रात एक सूचना मिली थी, देर रात की, एक ट्रक में गाय को ले जा रहे हैं, गोवंश है जिसमें उसको ले जा रहे हैं। इस पर हमारी टीम लगी विपिन भाटी के नेतृत्व में, और उसने पानी गांव तिराहे के पास किया। बदमाशों ने पुलिस पे फायरिंग भी की, पर पुलिस ने संयम बरतते हुए हमने सिखलाई के तरीके से, उसमें 15 गोवंश हैं, 11 गाय हैं, 4 बछड़े। कितने लोग गिरफ्तार हुए? एक आदमी गिरफ्तार हुआ है, उससे तमंचा मिला है नाजायज और नशीला पदार्थ। फायरिंग भी करी अपने? हाँ फायरिंग की है, 307 में लिखा गया पुलिस के ऊपर।